सदियों से हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते आ रहे हैं और अक्सर कई लोग अपना जीवन दूसरों को उनका अधिकार दिलवाने में लगा देते हैं। अधिकार की जब जब लड़ाई हुई है, अक्सर इसमें कई बार बल का इस्तेमाल हुआ है, मगर एक चीज जो सबसे ज्यादा तेज गूंजी है वो है अहिंसा का इस्तेमाल करते हुए जीवन में अपना अधिकार वापस लाने की बात। शांति से लड़े जाने वाली ये अधिकारों की लड़ाई की गूंज सबसे ज्यादा होती है। मार्टिन लूथर किंग और गांधी जी दोनों ही अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले ऐसे दिग्गज थे जिन्होंने दुनिया में सबसे बड़े बदलावों को अंजाम दिया। उन्हीं से ये सीख लेते हुए हमें अपने जीवन में इस तरह से आगे बढ़ना है कि सबसे बड़ी बात भी हम विनम्रता, प्रेम और विवेक से पेश करें। हमारी दलील में इतनी ताकत होनी चाहिए कि सामने वाला उसे ठुकरा ना सके, लेकिन ये काम हमें अपनी आवाज ऊंची करके या बल का प्रदर्शन करके नहीं, शांत विवेक बुद्धि से करना है। अपने अधिकार को मांगना कभी गलत नहीं है, मगर गलत तरीकों का इस्तेमाल करके जब हम उसे पाने की कोशिश करते हैं तो उससे शायद हमें सही अंजाम तो मिल जाए, मगर समाज को देने की एक सीख और प्रेरणा नहीं मिलती। आज हम ध्यान में बैठ के प्रेरणा को अपने अंदर जागृत करते हैं, जिससे कि हम सही राह पर खुद भी चलें और दूसरों को भी उस राह पर लाने के लिए हम में वो प्रेम विवेक बुद्धि हो, जिससे हम उनसे सही तरीके से बात करके अपने मानवाधिकारों को हासिल कर सकें। ध्यान में बैठते हैं, एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर को सीधी रखें, चेहरे पर एक मुस्कान ले आएं, दोनों हथेलियां अपनी गोद में रख लें और अब एक लंबी गहरी सांस भरिए और इसे रोक लीजिए। सांस को मुंह से छोड़िए और शरीर को बिल्कुल हल्का होने दीजिए। देखिए किसी भी तरह का तनाव शरीर में हो वो अब पिघले जा रहा है, बहे जा रहा है। एक और लंबी गहरी सांस भरिए और इसे कुछ पल रोकने के बाद अब मुंह से छोड़ते हुए शरीर को शांत होने दीजिए। देखिए आपके पैर बिल्कुल ढीले हो चुके हैं, हाथ ढीले हो चुके हैं, कमर हल्की होती जा रही है, सारा तनाव पिघल रहा है। एक और लंबी गहरी सांस भरिए और इसे कुछ पल रोकने के बाद सांस को मुंह से बाहर छोड़ते जाइए। दांतों को भींचे नहीं, जबड़े को ढीला छोड़ दीजिए। अपने शरीर में स्थिरता और शांति को महसूस कीजिए। रोज ध्यान करने वाला व्यक्ति योगी कहलाता है। एक योगी में इतनी शक्ति आ जाती है कि उसकी बात का कभी कोई विरोध नहीं कर पाता। उसकी ताकत उसकी आवाज में नहीं, उसके ख्यालों में होती है। निरंतर रोज एक ही समय पर ध्यान करने से आपके अंदर वो शक्ति आती है कि इस दुनिया में आप सही रास्ते पर खुद भी चलते हैं और दूसरों को भी उस पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोबारा ध्यान सांस पर लेकर आए। जानिए कि मेरी सांस गहरी है या नहीं, शरीर के किस हिस्से तक सांस जा रही है। जितना आप अपने शरीर को खोलते जाएंगे और सांस को हर हिस्से में बहते रहने देंगे, उतने ही आसानी से आप उस परम शक्ति से जुड़ते जाएंगे। उस परम शक्ति में इतनी ताकत है कि वो आपको हर स्थिति के लिए नए समाधान आसानी से देती रहेगी। कुछ समाधान आप जब सो रहे होंगे तो आपके ख्वाबों में आएंगे और कुछ चलते फिरते लोगों से बात करते हुए आपके दिमाग में आएंगे। जब भी कोई समाधान आएगा
वो आपके अंदर एक नया मनोबल भी लेकर आएगा, आपके अंदर वो शक्ति भी लेकर आएगा कि आप जो भी सोच रहे हैं आज नहीं तो कल वो ज़रूर फलित होगा। जब हम रोज़ ध्यान करते हैं तो हमारा ऊर्जा स्तर बढ़ता जाता है। हम ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं जो हमारे समर्थन में खड़े होंगे, जो उस रास्ते पर चल रहे होंगे जिस पे हम हैं। हमारा मार्गदर्शन स्वयं परमात्मा करते हैं और हमारा मनोबल हर पल बढ़ता जाता है। ध्यान करने से हम अपने विवेक शक्ति का इस्तेमाल भी सही तरीके से कर पाते हैं। तो एक और लंबी गहरी सांस लें और इस जीवन में सिखाए गए आपको उन भेदभावों को दूर करें जिससे आपको या समाज को कोई फायदा नहीं है, और अब ऐसे विचारों का स्वागत करें जिससे हर वर्ग के व्यक्ति को एक बेहतर जीवन मिले, हर इंसान को खुशी और शांति मिले, और इस सब को उन तक पहुंचाने के लिए आप सामर्थ्य हो, इस समाज का एक अहम हिस्सा बने। सांस अंदर भरते हुए सांस को आसानी से छोड़ें और अपने अंदर छुपे किसी भी डर भय को मुक्त करें। कहते हैं कि जब हम दूसरों के लिए जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन स्वयं ही सफल हो जाता है। तो उस महापुरुष के रूप में बनने के लिए आप आज से तैयार हैं। उस शक्ति को अपने अंदर समाने दें जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सबके भले के लिए इस संसार में प्रवाहित हो रही है। आप पूरी तरह से संपूर्ण हैं और समर्थ हैं। अपनी सारी शक्ति अपने अंदर घूमने दें, केंद्रित होने दें अपने विचारों पर। देखिए कि एक शांत स्थिति आपके अंदर बनने लग गई है। आपका मन पूरी तरह से शांत हो गया है। आप हर स्थिति में विवेक से काम लेते हैं, भावुक होके नहीं, शांत और स्थिर मन से हर स्थिति को समाधान की तरफ ले जाते हैं। अपने इस महान रूप में आने के लिए तैयार हो जाइए। आज और हर पल अपने जीवन को उसके परम रूप में देखने के लिए तैयार हो जाइए। मैं इस नए रूप का स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नमस्कार।